और हमारे दोनों आदरणीय उपेंद्र सिंह जी और बाबू शिवल सिंह बैठे हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे तब नेताओं पर टिप्पणी करते हुए मंच के एक बड़े कवि हुए हैं विनीत चौहान, उनकी चार पंक्तियां आई थी, मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। हमें कहा गया था कि 10-10 लाख दिए हैं तुमने वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे। सीमाओं पर किसान के बेटे लड़ते हैं और अपने हक के लिए भी किसान लड़ते हैं, इस देश में इससे बड़ी विडंबना क्या है। तब मैं कहता हूं, और हमें जब पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, हमें ये कहा गया है कि विसंगति और विडंबनाओं के मध्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता का उद्बोधन ही साहित्य है। मैं उस साहित्य के पुरोधा को बुला रहा हूं। पहले कभी कहा गया इकबाल के समय कि आने वाली नस्लें तुम पे फिक्र करेगी हम असरों, जब उन्हें ख्याल आएगा तुमने फिराक को देखा था, वो फिराक साहब का शेर है। उसके बाद इकबाल साहब ने कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े ही मुश्किल से होता है चमन में दिलावर। मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका ये क्रम नहीं है, लेकिन भैया नाराज भी हैं, वो कह रहे हैं एक क्षण से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, तो ये आपका काम है कि आप उनसे जितना सुन लें। अब एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दे उनके लिए, जोरदार तालियां। तुमने नाराजगी दूर कर दी। आदरणीय विदुषी वंदना झा मैम, विदुषी शंपा मैम, सेवा के संस्थानम के जो भी कर्ता धर्ता बंधु हैं, सबको प्रणाम करता हूं। और बहुत ही प्रिय, अगर प्रिय अच्छा ना लगे तो आदरणीय कहूँ, रुद्र भाई और बाकी अन्य कवि, बहुत सुंदर संचालन, जोशीले संचालन कर रहे हैं हमारे प्रशांत और जोशीले कवि जो ही सुना के बैठे हैं। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चूंकि मेरी एक परीक्षा है 30 तारीख को, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, और प्रशांत ने कहा था भैया समय निकल के आ जाइएगा, थोड़ी देर हो रही थी तो मुझे भी खीज हो रही थी, बाकी अब कोई बात नहीं। तो एक छंद गंगा माता, ये हो जहान विवेकवती, एही सभ्यता के दुलरैती नैया, धार तोहार जहां ले बहे वहां जामल बा शुचि ज्ञान के बिया, धार तोहार प्रसार है ज्ञान के, धार तोहार प्रसार है ज्ञान के, कौन नया जुरी में भरी पिया, लाख जुगंतर से बही जात बा पानी के धार पे माटी के दिया, पानी के धार पे माटी के दिया। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच जो दो दो आदरणियां हमारी आज बैठी हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, उनमें से एक मैथिली भाषा की विदुषी हैं और दूसरी मैम चंपा मैम वो हिंदी की प्रोफेसर हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा उनकी बहुत अच्छी रहती है, भोजपुरी भी है, तो रीजनल लैंग्वेज के दो यहाँ पे पुरोधा बैठे हैं, तो देख करके मेरा उत्साह चरम पे है। और आप जानते हैं कि मैं भोजपुरी में ज़्यादा लिखता हूँ, तो एक गीत पहले सुनिए। गीत है, देश को, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, और ईश्वर करे या फिर से सोने की चिड़िया बने। तो देशवा हमार हवे, देशवा हमार हवे, सोने के चिड़ैया, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा, देशवा हमार हवे, देशवा हमार हवे, सोने के चिड़ैया, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा, रहिया ना रोक तोर पावे कोनो आनी, रहिया ना रोक तोर पावे कोनो आनी, तोर चुर मुनवारे गौतम आगानी, तोर चुर मुनवारे गौतम आगानी, हियरा के एक रंग पाख सत रंगिया, विविधता में एकता,
हियरा के एक रंग पाख सतरंगिया, हिंदी के बिंदी सोभेला तोरे मंगिया। सांवर सोनर देह फसलन से लागे चिड़ैया रे तोरा, नजर जनी लागे देसवा हमार हवे सोने के चिड़ैया, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे। नैना में गंगा कावेरी के पानी, नैना में गंगा कावेरी के पानी, मीठ मीठ बोलिया में वेदवन के बानी, मीठ मीठ बोलिया में वेदवन के बानी, गणित खगोल गीत कविता कहानी, गणित खगोल गीत कविता कहानी, जग के तू दिहलु के तोरे जस दानी, जग के तू दिहलु के तोरे जस दानी, तोरे बचन सुन सारा जग जागे, तोरे बचन सुन सारा जग जागे, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा। अंतिम है, तू चिड़ई कबीरा के भरनी आताना, तू चिड़ई कबीरा के भरनी आताना, सब रंग आपन ना कोनो बेगाना, सब रंग आपन ना कोनो बेगाना, तोहरे हा सब रंग रूप और बोली, तोहरे हा ईद गुरु पर्व और होली, तोहरे हा ईद गुरु पर्व और होली, उड़ी उड़ी जई हे रे उड़ी उड़ी जई हे अकसवो से आगे, उड़ी उड़ी जई हे अकसवो से आगे, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा देसवा हमार हवे सोने के चिड़ैया, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा नजर जनी लागे, चिड़ैया रे तोरा। क्या ही ठीक होगा, अच्छा हो गया। एक गीत और सुना करके विदा लूंगा। भोजपुरी बन देश जितने बा उतने बोल। अब हम ये जो पहला गीत आपने सुना, इसमें हमारा जो एक आदर्श स्वरूप है हमारे देश का वो है, लेकिन दूसरे में आइडिया ऑफ नेशन है, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, वो सुनिए भोजपुरी में। कि जतने बा उतने बोल अब हम, जतने बा उतने बोल अब हम, थोर कहब ना बेस कहब, मनई मनई फरक न जहां, हम ओकरे के देश कहब। जतने बा उतने बोल अब हम, थोर कहब ना बेस कहब, मनई मनई फरक न जहां, हम ओकरे के देश कहब। भेद जहां राजा प्रजा में एक न मानल जाए, भेद जहां राजा प्रजा में एक न मानल जाए, जाति धर्म के फान में केकरो गोड़ न छानल जाए। कि होखे जहवा जनता खातिर सुविधा सुख आनंदी, होखे जहवा जनता खातिर सुविधा सुख आनंदी, जहवा हक के बात करे पर होखे ना पाबंदी। उकरे के पूजब हम ब्रह्मा, उकरे के पूजब हम ब्रह्मा, विष्णु कहब महेश, मनई मनई फरक न जहवा, मनई मनई फरक न जहवा, हम ओकरे के देश कहब।
उतने बा उतने बोल अब हम प्रेम से बढ़ के जहां न होखे कौनो पाठ अपूजा प्रेम से बढ़ के जहां न होखे कौनो पाठ अपूजा नेक रहे सब एक रहे सब कोई रहे ना दूजा नेक रहे सब एक रहे सब कोई रहे ना दूजा सब आपन ईमान बचावे कर्म से अपना अपना सब अपन आपन ईमान बचावे कर्म से अपना अपना जैसे पलकन के छाया में रहे निरापद सपना जैसे पलकन के छाया में रहे निरापद सपना एके बा कुरान के औरो एके बा कुरान के औरो गीता के उपदेश कहा मनई मनई फरक न जहवा हमोकरे के देश कहब जतने बा उतने बोलब हम थोर कहब ना बेस कहब मनई मनई फरक न जहवा हमोकरे के देश कहब मनई मनई फरक न अंतिम में आसमान दरार पड़े तब सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन प्रेम अगर बचा लिया जाए तो उसी से सारी चीजें फिर से वापस पाई जा सकती हैं। दरार पड़ना एक मुहावरा है जिसके अलग अलग संदर्भ में अर्थ बदल जाते हैं। देखिए कि आसमान दरार पड़े तब पड़े आसमान दरार परे ता परे बदरान दरार न फाटे आसमान दरार परे ता परे बदरान दरार न फाटे रे बदरान दरार परे ता परे खेतवा में दरार न फाटे खेतवो में दरार परे ता परे खरिहान दरार न फाटे रे खरिहान दरार परे ता परे अंगना में दरार न फाटे अंगना में अंगना में दरार परे अंगना में दरार परे ता परे अचरा में दरार न फाटे रे अचरा में दरार परे ता परे अखिया में दरार न फाटे रे शर्म लिहाज न जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि जब भाई अलग हो जाते हैं अचरा में दरार पड़ जाता है और आंखों में भी दरार पड़ जाती है तो माँ बाप को बांट लेते हैं भाई हमरा में रही है बाबू तोहरा में रही है। हमारी परंपरा में माँ और बाप को एक ही यूनिट माना गया है चाहे वो भवानी शंकर कहा गया हो अर्धनारीश्वर कहा गया हो वागर था वो संपत्त कहा गया तो अखिया में दरार परे ता परे देहिया में दरार न फाटे देहियों में दरार परे ता परे नहिया देहिया में दरार परे ता परे नहीं आ में दरार न फाटे रे। बहुत बहुत धन्यवाद।